अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपका चैनल होस्ट अहमद रफ़ीक और मैं आप सब लोगों को अपने चैनल अहमद टेक स्टूडियो पे खुश आमदीद कहता हूं। तो जनाब, वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मुझे मज़ीद वीडियोस बनाने की मोटिवेशन हासिल हो। जनाब, व्यूज़ से लाइक से इतनी खुशी नहीं होती जितनी सब्सक्राइब से खुशी होती है, और हमें जल्दी 1000 सब्सक्राइबर भी पूरे करने हैं ताकि मेरा चैनल मोनेटाइज हो सके और वॉच टाइम भी पूरा करना है। तो काइंडली वीडियो को पूरा देखा करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर किसी को भी किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, कोई भी शख्स आपसे पूछे कि उसे कंप्यूटर के मुतालिक इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप उसे इस चैनल का रेफ़र कर सकते हैं चैनल के लिए, ताकि वो आए और किसी भी पीसी के बारे में वीडियो देख सके और इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकें। तो जनाब, आज की वीडियो शुरू करते हैं, और आज की वीडियो में हम रिव्यू करेंगे इस पीसी का। तो चलें, आज की वीडियो शुरू करते हैं। जनाब, जैसे कि मैंने बताया कि आज हम इस वीडियो का रिव्यू करेंगे, इस पीसी का रिव्यू करेंगे इस वीडियो में। तो ये पीसी कौन सी जनरेशन से है? वो फोर्थ जनरेशन पीसी है, एचपी का पीसी है, और इसका मॉडल है एचपी प्रोडेक्स 600। तो जनाब, ये इसके अंदर रैम DDR3 फैमिली की लगती है, और जनाब बहुत ही ज़बरदस्त पीसी है। किन कामों के लिए इस्तेमाल हो सकता है? आप इसको ग्राफिक डिज़ाइनिंग के बड़े बड़े सॉफ्टवेयर चला सकते हैं, और इसके अलावा वीडियो एडिटिंग के लिए भी यूज़ हो सकता है, यानी फ्रीलांसिंग के काफ़ी सारे काम हो सकते हैं इस पर। आप ऑनलाइन स्ट्रीमिंग भी कर सकते हैं, गेमिंग भी कर सकते हैं, बड़ी बड़ी गेम्स चला सकते हैं, GTA 5, फार क्राई वगैरह जैसे, यानी जो भी बड़ी गेम्स हैं। और इसके अलावा जनाब, इसकी कीमत तकरीबन, क्योंकि थोड़ा अच्छा पीसी है, तो 15 से 20 हज़ार की रेंज में है। और इसके अलावा चलें आएँ, इसका फ़िज़िकल रिव्यू करके देखते हैं क्या क्या लगा हुआ है इसके अंदर। पहले फ्रंट से देख लेते हैं। देखें जनाब, कैसी बहुत ही प्यारी सी लुक आ रही है इसकी। और ये इसका ऑन ऑफ का बटन है, ये इसके अंदर एक, यानी ये लैपटॉप के टाइप का छोटा वाला इसके अंदर लगा हुआ है DVD रूम। और ये आप देख सकते हैं USB स्लॉट्स हैं सामने चार, दो ब्लैक कलर में है, दो ब्लू कलर में। ब्लैक कलर वाली जो होती हैं ये 2.0 USB है, और ब्लू वाली 3.0 है, यानी इनकी स्पीड ज़्यादा होती है। और ये इसकी यानी ऑडियो इनपुट आउटपुट के ऑप्शन हैं, ये ऑडियो इन आउटपुट का ऑप्शन है और ये इनपुट का ऑप्शन है। इसके अलावा पीछे से देख लेते हैं हम, पीछे के जैसे कि तमाम पीसीज की तरह यहाँ पे भी कीबोर्ड माउस की PS2 स्लॉट्स हैं, और ये हमारी लाइन कार्ड की स्लॉट है। और इसके अलावा यहाँ पर ये हमारी USB की पोर्ट्स हैं, और ये हमारे पास दो ये हमारी D पोर्ट्स हैं, ये भी डिस्प्ले के लिए काम आती हैं, और ये हमारी VGA के, और ये भी डिस्प्ले के लिए। और ये चार फिर USB स्लॉट्स हैं, दो ब्लू हैं ये, यानी कि ये 3.0 हैं, स्पीड ज़्यादा होती है ट्रांसफ़र रेट की। और इसके अलावा ये हमारे साउंड की इनपुट और आउटपुट की स्लॉट्स हैं। और जनाब, इसको अब हम खोलकर देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या लगा हुआ है। देखें जनाब, बहुत ही ज़बरदस्त यानी इन्होंने मॉडल बनाया है। इसकी छोटी सी ये पावर सप्लाई है, जैसे कि ये यहाँ पर इसकी पावर सप्लाई का प्लग लगेगा जिससे इसमें पावर आएगी। ये इसका सिंक है, फैन है, इसी के नीचे इसका वो लगा हुआ होता है प्रोसेसर, ये DVD है, और ये जगह इसकी हार्ड ड्राइव के लिए है। इसके नीचे भी हम एक हार्ड ड्राइव फिट कर सकते हैं। चार रैम की स्लॉट्स हैं DDR3 रैम की फैमिली से, जैसे कि बताया था। हम ब्लैक वाली साइड से स्टार्ट करते हैं, हमेशा यहाँ पर ब्लैक है, फिर वाइट है, फिर ब्लैक है, फिर वाइट है। और ये इसका बैटरी सेल है, यानी हमारे टाइम और डेट को मेंटेन रखता है ये सेल। तो चले आए, अब हमारा फिज़िकल रिव्यू तो पूरा हो गया है। और इसका बहुत ही बंद, इसे सबसे बड़ी HP की बात है, इसको खोलना और बंद करना बहुत आसान है। जस्ट इसको उठाओ ऊपर की तरफ, फिर इसको नीचे की तरफ पुश कर दो, कुछ भी नहीं है। तो चले आए, अब हम अपना फिज़िकल रिव्यू स्टार्ट करते हैं। जनाब, ये इसका पावर बटन है, मैंने तमाम केबल्स अटैच कर दिए हैं इसके पीछे, पावर केबल, VGA केबल और कीबोर्ड की केबल। तो हम अब इसे ऑन करके देखते हैं इसके अंदर क्या क्या चीज़ें लगी हुई हैं, कितना प्रोसेसर लगा हुआ है। तो जनाब, ये मैंने बटन से ऑन कर दिया। अब आए स्क्रीन देखते हैं हम, स्क्रीन पे क्या आता है। ये सबसे पहले तो सर, ये हमने कंप्यूटर को ऑन किया, तो हम F10 से, क्योंकि ये HP का कंप्यूटर है, हम F10 से जाएंगे हमारे बायो सेटअप में। यहाँ पे फाइल में सिस्टम इंफॉर्मेशन में जाकर देखेंगे। ये देखें सर, इसका मॉडल नेम HP Prodex 600G1 SFF है, और ह्यूलेट पैकेट कंपनी है, यानी कि HP है। और इसके अंदर प्रोसेसर इस टाइम कौन सा लगा हुआ है? इंटेल कोर का लगा हुआ है, कोर i3 का, फोर्थ जनरेशन है ये, 4160 फोर्थ जनरेशन को
शो कर रहा है, और 3.60 GHz से इसके अंदर रैम कौन सी लगी हुई है, एक ही रैम लगी हुई थी आपको याद होगा 2 GB की, और ये DDR3 की रैम लगी हुई है जैसा कि आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। तो जनाब ये था आज का हमारा रिव्यू, और इस तरह की और भी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दें ताकि कोई भी हमें वीडियो बनाऊँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो जनाब आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।